राधे कृष्णा भक्तों, सोनी टैलेंट हब पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। आज मैं आप सभी के सामने एक और वीडियो लेकर उपस्थित हुई हूं। तो भक्तों, आज मैं आप सभी को बताने वाली हूं कि आपके घर में यदि आर्थिक तंगी है, आपके घर में पैसे नहीं रुकते हैं, आप सभी जो हैं आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, आपके घर में पैसे आते भी हैं तो तुरंत से निकल जाते हैं, माता लक्ष्मी आपके घर में वास नहीं कर पा रही हैं, वो भाग जा रही हैं, तो इसके कारण क्या है और इसके मैं 5 अचूक उपाय बताऊँगी। ये अचूक उपाय आप ज़रूर करें, ये काम करेगा ही करेगा क्योंकि ये अचूक है। तो आप अगर इनमें से कोई भी गलती करते हैं तो आज के बाद इस वीडियो को देखने के बाद आप उस गलती को ना करें। तो वीडियो को बिल्कुल भी लंबा नहीं करते हुए चलिए अपनी जानकारी को हम शुरू करते हैं। तो भक्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, बहुत सारे आजकल हम लोग बहुत बिज़ी हो गए हैं अपने लाइफ में, अपने जीवन में बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गए हैं, तो बहुत सारी माताएं बहनें जो हैं वो पहले से ही सब कुछ के लिए तैयारी कर लेती हैं। जैसे कि उनको सुबह ऑफिस जाना है या फिर अपने घर वालों को ऑफिस भेजना है, स्कूल भेजना है, तो वो रात में ही आधा काम जो है वो कर लेती हैं। जिस प्रकार से बहुत सारी महिलाएं जो है वो आटा गूंद कर जो है वो रख लेती हैं कि सुबह इसकी रोटियां सेकेंगी, पर ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। आपको कभी भी आटा गूंद कर रात में रख कर उसको छोड़ना नहीं चाहिए या फिर उसकी रोटी आपको नहीं सेकनी चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। जब भी आप रोटी सेकें तो आप कोशिश करें कि जिस समय आप रोटी सेके उसी समय आप आटा को लगा ले, क्योंकि कहा जाता है कि वो आटा जो है वो पिंड के समान होती है, कि पिंड दान जो हम करते हैं उस समय वो आटा को जो है वो बासी आटा के रूप में होता है। और अगर देखा जाए तो ये बहुत ही गलत है, इससे माता लक्ष्मी जो है वो रुष्ट होती हैं। तो कृपा पूर्वक आप इन बातों का जो है वो ध्यान रखें कि आप आटा को बिल्कुल भी लगा कर ना रखें और उसका नेक्स्ट डे आप बिल्कुल रोटी ना सेके, ये पहला कारण है। दूसरा कारण है कि आप घर को साफ सफाई, घर के अंदर जो भी है गंदगी उसे ना रखे, घर को हमेशा साफ रखे, क्योंकि माता लक्ष्मी वहीं वास करती हैं जहाँ पर साफ सुथरी जगह हो, बिल्कुल साफ वातावरण हो, साफ जगह हो। आप इधर उधर कचरा ना फेंके, कचरा जो है आप उनको जो है ज़्यादा समय के लिए अपने घर में ना रखे। आप कोशिश करें कि कचरा जो है शाम होने से पहले आप अपने घर से बाहर कर दें। और झाड़ू का जो ये होता है समय होता है वो भी आप सवेरे कर लें। जैसे बहुत सारी माताएं बहनें हैं जो सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाती है, वो शाम के समय जो सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाते, वैसे आप बिल्कुल ना करें, इससे माता लक्ष्मी जो है वो आपसे अप्रसन्न होकर आपके घर को छोड़ जाती हैं, ये सारी चीज़ें ना करें। तीसरा है कि आपके घर यदि कोई कुछ मांगने आ जाए शाम की बेला में, यानी कि जब शाम होती है तो सूर्यास्त के बाद अगर कोई कुछ मांगने आ जाए, आपके अड़ोसी पड़ोसी या कोई भी आपसे कुछ मांगने आ जाए, खाद्य पदार्थ, नमक हो गया, हल्दी या कुछ भी चीज़ मांगने आ जाए, तो आप उन्हें कोशिश करें, पैसे भी अगर कोई मांगने आ जाए तो कोशिश करें कि आप उन्हें ना दे शाम की बेला में, बिल्कुल भी ना दे। शाम का समय जो होता है वो लक्ष्मी माता का वास करती हैं उस समय माता लक्ष्मी, तो आप बिल्कुल भी ये ना करें। अगर ये गलती आप करते हैं तो इसे आप सुधार लें, नहीं तो आपके घर में माता लक्ष्मी का वास जो है वो बिल्कुल भी नहीं होगा, वो आपका घर छोड़कर चली जाएंगी। चौथा कारण जो है कि आप बिल्कुल भी जो है किचन जो है, बहुत महिलाएं जो है वो रात के समय जो खाना बनाती हैं, खाना पकाती हैं, किचन में जूठे बर्तन या फिर किचन जो है अस्त व्यस्त करके रखती हैं, वो आपको नहीं करना है। आपको रसोई घर बिल्कुल भी साफ़ सुथरी रखनी है। उन्हें आप जैसे आप जो चूल्हे का इस्तेमाल करते हैं उन्हें साफ़ कीजिए, बर्तन को साफ़ कीजिए, एक भी जूठा बर्तन ना रखे और जो भी चीज़ें हैं उसे साफ़ करके, यानी कि आपको रसोई घर पूरी तरह से साफ़ करके ही सोना चाहिए। और कोशिश करें कि रसोई घर में एक लोटा पानी जो है वो जल ज़रूर रख दें और बर्तन में जो है वो थोड़ा बहुत सब्ज़ी या रोटी जो भी बनाया है आपने उसे ज़रूर छोड़ दें।
उसमें आप इसलिए छोड़े, अन्य बहुत टाइम ऐसा होता है कि आपके घर में कुछ भी नहीं रहता है, पका हुआ भोजन जो है वो नहीं बचता है, तो आप जब भी रोटियां किसी को दे, अगर वो अंतिम रोटी है तो उसमें से थोड़ा सा तोड़कर आप उसे रख दे जहाँ पर आप रोटी रखते हैं, और सब्ज़ी भी अगर ख़त्म हो गई है तो थोड़ा सा सब्ज़ी ज़रूर रख दे। कहते हैं कि किचन जो भंडारा घर होता है उसे कभी भी खाली नहीं छोड़ना चाहिए रसोई घर को, तो इस प्रकार से आप अपनी रसोई का जो है विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि माता लक्ष्मी जो है इनसे, इन सारी बातों से भी बहुत ज़्यादा रुष्ट होती हैं और आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। पांचवा जो है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये पूजा से संबंधित है। जब भी आप माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं या मूर्ति रखते हैं या कोई फ़ोटो रखते हैं, तो हमेशा उनकी मूर्ति या फिर फ़ोटो जो है वो नारायण भगवान के साथ रखें, क्योंकि वो उनके पति हैं, तो उनके साथ आपको उनका नाम लेना चाहिए। लक्ष्मी नारायण जी की पूजा जो है आपको एक साथ करनी चाहिए, इससे भी माता लक्ष्मी जो है वो रुष्ट नहीं होती है। ऐसे भी कोई भी देवी देवताओं का नाम जो है वो आप जोड़ा में ही ले, ये बहुत शुभ होता है, बिना जोड़ा का ना ले। तो भक्तों, ये सारी कुछ बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बातें थी और ये अचूक उपाय है, आप इसे करके देखिए, आपको जो भी आर्थिक तंगी हो रही है वो सब दूर होगी। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरी ये जानकारी अच्छी लगी होगी और आप सभी को लाभ हुआ होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे।